इस कंपनी ने 5 साल में आपको 33,000% रिटर्न आपको कमा के दिया है। ये एक आप लोग हमेशा ऐसे शेयर्स के तलाश में रहते हैं जो आपको 2, 3, 4, 5 साल में लगभग बहुत 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 ज़्यादा पैसे कमा के दे। 20% नहीं, 30% नहीं, 40, 100, 200, 400, 1000, 4000। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो आपको पिछले 5 साल में पूरे 50,000% इसने आपको रिटर्न कमा के दिया है। बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमेशा आपके लिए मैं इसी तरीके के शानदार नहीं, बहुत ज़्यादा शानदार शेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। हर रोज़ 8 से 10 वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत 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 छोटा है। जितना इसका फ़ायदा है उतना इसका आप मार्केट कैप देखिए, सिर्फ 381 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब इसके मार्केट कैप की तरफ नज़र ना डाल के आप बात करेंगे हम इसके 6 महीने पहले इसके रिटर्न की। 14% दिया है, यह थोड़ा आपको कम ज़रूर लग रहा होगा, सिर्फ 14%। एक साल पहले 35%, ठीक है। अब बात करते हैं 5 साल की, आंखें देखिए आप ज़रा। 5 साल पहले कंपनी ने 33% आपको रिटर्न दे दिया है। इस कंपनी ने 5 साल में आपको 33,000% रिटर्न आपको कमा के दिया है। ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। यही नहीं, और सुनिए, मैक्सिमम इसका रिटर्न देखेंगे तो कंपनी ने आपको 44,000% का रिटर्न दिया है पूरे समय में मैक्सिमम रिटर्न। इसमें आप डिटेल में देखेंगे तो कंपनी 2017 से लिस्ट हुई थी और सिर्फ 8 रुपये इसकी कीमत थी। कंपनी बिल्कुल 2019 में भी कम थी, लेकिन समय के साथ 2020 से इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं था, वहाँ से इसने जो बिल्कुल चढ़ाई शुरुआत की तो बिल्कुल चढ़ता गया। बेशक कंपनी ने समय समय पे करेक्शन भी आए, लोगों को मौका दिया कंपनी में निवेश करने का, बुद्धिमान लोग निवेश करते भी गए और इसको होल्ड भी करते गए। आज जिनके पास, मान लीजिए 2017 में जिन्होंने ख़रीदा था 8 रुपये के दम पे, 8 रुपये के प्राइस पे, आज वो लोग कहाँ बैठे होंगे? सीधा सीधा हिसाब करेंगे, आपने अगर सिर्फ 10,000 रुपये लगाया होता तो आज आपके पास सीधे हिसाब से 50,00,000 रुपये होते, 10,000 के। ये एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, 10,000 के 50,00,000, सीधा सीधा हिसाब है। और अगर 1,00,000 लगाए होते तो सोचिए आज आप कितने बड़े मालिक होते, सीधा सीधा 5 करोड़ के मालिक होते। आइए इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। बात करेंगे कंपनी करती क्या है, तो कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में मशगूल है, कंपनी ट्रेडिंग करती है। अब कंपनी के मार्केट कैप पे हम नज़र डालेंगे। पहले हमने डिस्कस किया है सिर्फ 382 करोड़ का, बहुत छोटा इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका लगभग फ़िलहाल 3,708 चल रहा है। स्टॉक पी की तरफ नज़र डालेंगे, डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहा है, सिर्फ 15.8 के रेट पे आपको मिल रहा है, ये डिस्काउंट रेट है। और डिविडेंड फ़िलहाल कंपनी ने शो नहीं किया है। आरओसी पे नज़र डालेंगे, 23% पे है, आरओई 18% पे है। कंपनी के अगर हम डेट के बारे में बात करेंगे, कर्जे के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। कंपनी शानदार तरीके से कर्जा मुक्त होकर आगे बढ़ चढ़ के व्यापार कर रही है, इसलिए ज़्यादा मुनाफा दे पा रही है। कंपनी के CAGR भी बहुत ज़्यादा हाई के तौर पे देखा जा रहा है, 5 साल में 65% कंपनी ने अच्छा खासा CAGR दे चुके हैं। बात करेंगे कंपनी के सेल्स के मुतल्लिक। कंपनी का सेल्स की तरफ आप थोड़ा सा नज़र करेंगे तो 2017-15 से, ये बहुत पहले से हम देखेंगे तो बिल्कुल 2011 में 4 करोड़ था, समय के साथ साथ 2020 में बहुत ज़्यादा घट चुका था, 1 करोड़ पे आ गया था, लेकिन अब कंपनी अच्छी खासी 87 करोड़ पे आ गया। 2021 में भी 28 करोड़ का शेयर था, अब देखिए लगभग 4 गुना सेल्स इसके बढ़ चुके हैं 1 साल में।
प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी आपको शानदार नज़र आएंगे। देखिए 2020 में कंपनी घाटे में चल रही थी, -10 करोड़ पे था कर्जा था कंपनी पे, लेकिन सीधा कर्जा उतार के 10 करोड़ का मुनाफा करके दिखा दिया कंपनी ने 2021 में, और सीधा 65 करोड़, ये लगभग 3 गुना आप कह सकेंगे, 3 गुना से ज़्यादा है एक साल में कंपनी ने कमा के दिखा दिया है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो देखिए पिछले 10 साल में 57%, 5 साल में 52%, 3 साल में 111% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने करके दिखाया है। और कंपनी का अगर 60% देखेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 साल में 66% है और 3 साल में 113% है। और कंपनी का अगर आप स्टॉक CAGR देखते हैं तो बहुत शानदार, 5 साल में कंपनी ने 223% का इसने आपको दे के रखा है CAGR, और 3 साल में 291%। और इस कंपनी का नाम हम जान लेंगे, अभी कंपनी का नाम है सरस्वती कमर्शियल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, कंपनी का नाम है सरस्वती कमर्शियल इंडिया लिमिटेड। आप इसको नोट करिए, बुक में लिखिए, दीवारों पे लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। कंपनी के कुछ हम अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमको ये दिखाता है कि फ़िलहाल प्रोमोटर्स के पास 72% रखा हुआ है और पब्लिक के पास लगभग 27% है। मौजूदा समय में FIs और DIs इसमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन भविष्य में ज़रूर होने वाले हैं। ऐसे शेयर में निवेश करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंपनी खुद उसके फंडामेंटल्स के थ्रू जब बात करती है तो कंपनी में ज़्यादा भरोसा इन्वेस्टर्स का बैठ जाता है। तो इसी के साथ ही आप इस शेयर में आप SIP करिए, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसी प्रकार से करिए, तो भी आपका ज़्यादा फ़ायदा ही होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक तो अभी आपको करके ही जाना है ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोगों की तरफ से।